हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेपी सीरीज़ फैमिली। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा हरियाणवी सॉन्ग कैसे शूट होते हैं, कहाँ पे शूट होते हैं, कहाँ पे लोकेशन होती है, कैसे शूट होते हैं, कैसे मेकअप होता है, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे डबिंग होती है। अब मैं दिखाऊँगा आपको वेब सीरीज़ कैसे शूट होती है। और अब हम करने जा रहे हैं वेब सीरीज़ अगले संडे से। तो वेब सीरीज़ का नाम है बंटवारा आंगन का। जी हाँ, बंटवारा आंगन का। और इससे पहले हमारी वेब सीरीज़ चल रही थी जिसका नाम था आंगन सुरते का। जेपी सीरीज़ कॉमेडी चैनल पे वो आती थी आंगन सुरते का। उसका कोरोना काल में हमने बंद कर दिया था उसको। अभी हम उसी को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको स्टोरी भी चेंज कर दी और नाम भी चेंज कर दिया। अब हमने रख दिया बंटवारा आंगन का। और जैसे उसमें बच्चे छोटे थे, अब वो बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शादी हो गई। शादी होगी तो लाजमी है कि बंटवारा भी होगा। तो हमने दिखाया भी घर में कैसे बंटवारा होता है, किसके हिस्से में क्या जाता है, माँ बाप किसके हिस्से में जाते हैं और कौन सेवा करता है, कौन नहीं सेवा करता है, तो वो सब दिखाएंगे। पर दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके घर में वो घर जिसके घर में बूढ़े बूढ़े होते हैं वो किस्मत वाले होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप अपने माँ बाप की, कोई बुज़ुर्ग माँ है, माता है, पिता है, कोई भी है, उसके साथ वीडियो बनाएं या उसकी फ़ोटो उतारें और अपने चैनल पर डालें या अपनी साइट पर डालें या अपने पास सुरक्षित रखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब वो नहीं रहेंगे, खाली उनकी याद रह जाएंगी, तो उन फ़ोटो को और वीडियो को देख के हम अपना दिल बहला सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा बाद में उनके साथ हम रहेंगे। तो आप ये काम ज़रूर करना, आप अपने बुज़ुर्ग की फ़ोटो अपने साथ यह वीडियो ज़रूर उतारना और अपनी साइट पे, अपने चैनल पे ज़रूर डालना। तो मैंने भी अपनी माँ की फ़ोटो उतारी है और उसकी वीडियो बनाई है गीत गाते हुए की, जो पुराने गीत गाते हैं लेडीज़ हमेशा। तो मेरी मौसी भी साथ थी और मेरी माँ भी, और मैंने कल ही रिकॉर्डिंग की है और मैं अपने चैनल पे अपने यादगार के तौर पे अपनी माँ के सॉन्ग, अपनी माँ के गीत जो है डाल रहा हूँ। और आप भी ज़रूर डालिए। तो दिखाता हूँ मैं, चलो, माँ के गीत कैसे गाती थी वो और कितना मज़ा आता है हंसी मजाक में। हम हंसी मजाक करते हैं माता पिता के साथ तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो हंसी मजाक में हम कैसे सॉन्ग की हमने, माँ ने गीत गाए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं माँ के गीत। अर्था भाई, सासू तो हमारी बहुत कमेरी थी। हाँ, वह बागड़ की थी। अच्छा, बागड़ की थी। बागड़ की थी सासू, बागड़ की थी भाई, कती राजस्थान की। अच्छा भाई, वह भी शिल्ला में बिठा दी और भाई खूब काम करया करती। फिर थारा लड़ाई नहीं मची सासू बुआ की? सासू बुआ की भाई हम बोलते कोई ना आपस में, लड़ भी कर उसी बात हो जाती ना, कोई माए रखते बोलते कोई ना, लड़ाई ना हुई। पांच तुम्हारा ननद थी और भाई दो सासू, रोज बिड़दंग बाजे घर में था कि मैं वो समझती कि हम समझ जाते। अपना भाई 17 साल रहे सा जी में और कदे मेरे तो यह लड़ पड़ती या तो भान थी या भी लड़ती। एक दिन बोली आ रंडी मका पूरे मैं बताऊं तो ना। भाई भाई लड़ते से मरते रहना सा जे में था, कौन सुनाई करा था मारी, कोई ना करा था। इसे भाई तेरे बाबू और थे कमेरे इतने थे, सब क्या मागर रख ले, चलो चलो खेत में लावणी तुमने खूब करी हो। मिर्च बोम था कि टमाटर बोम था, कामी आज भी थे भाई। तो भाई मिर्च वो होता खेत में फालू थे जेती मंग रहा है कि धोड़े लेके वाले कड़े होते मंगर और गए ना हमने रखता, हम भी मार दिए जान। तो भाई एक बार व्रत था धीरज का, जन्माष्टमी का, और तो भाई हम सारे बरती और मिर्च न लावा तो सारे आगे पिसाए मरे दोपहरी का काम। और भाई घाम गाना हम न ना आवन दे, चल ये क्यारी भर जान दी ना, तू न ला ले इतना चल लाँगे। भाई मन तो के करे मारी डाक जाकर ना टूवेल पे जी लिखड़ा गर्मी में और फिर बोले बस ही चलना घर ने चल रहे कोई ना हम तो आगे और ये तो आगे भाई। हाँ और भाई मना तो फिर मना तो फिर मना डाक मारी फिर मना डाक मारी टूवेल के नीचे। भाई मेरा तो ऐसा सर्द गर्म का विचार बनया वो आज ती भी ना गया। फिर भाई आई आके भूखी मर रहा है। हाँ खेत माता सागना बना रखा फोड़ा गंठा खाई रोटी फिर इन्हें बिजली चाच दी आज ला लगते हैं तो यार भाई बिजली पकड़ ली। अच्छा बिजली ने पकड़ ली। हाँ और तो भाई मैं पड़ी पता करूँ
और भाई भी मैं क्या टोंग थी दरात टोंग थी क्या है तो रोटी भी खाओ साथ जेम है ये प्याज जत खाया करते कि साथ अचार बने थे भाई अच्छा साग सूना बनाया करते हाँ तो आन कभी नू प्याज टोंग थे कि तो मिर्च टोंग थे खेत खेत में तान करने खेत में तान कर तो भाई मैं दरात टोंग थी मगर प्याज का है रोटी खाऊंगी अब भाई लट सही मैं तो उचित पकड़ ली तथा लिखड़ा मेरे मुँह वहां तो रुक का तो मारू फिर भीम था अरे भाभी तो बिजली ने पकड़ ली अरे भाभी तो बिजली ने पकड़ ली बाजा आया घेर में बाबू मेरी भाभी बिजली ने पकड़ ली और भाई बूढ़ा भाजा घेर में आता है दो चार नोर बुला लिया मैं तो भाई बे होश तो तुम नहर भी खूब लाए एक ठड़ बांध और नहर भी खूब लाए ऐसा क्या क्या डांगर रखे तुमने अरे डांगर निरे डांगर रखे सर निरे खेत बोया करते तेरा बापा तो निरे बो था मिर्च भी कितर टमाटर भी कितर खेत में मना तय न्यू रखिए करता कति डांगर की डाल सब बहुत दिन धंधा निमड़े ना ठीक है आजकल भाई कोई के काम कर लेगी भाई या से मेरी माँ और या से मेरी मौसी और दोनों सगी पान से और हरियाणा की से हरियाणा की है घास भी खोदी है और परिवार बहुत अच्छी तरह पाला है और इवन तो बात करेंगे नू बताओ भी तुम थारा गांव कौन सा है मारा गांव तो नानू खोड़ सब भाई हर रेवाड़ी मेरे मामा रहे हैं रेवाड़ी वाडो मामा रहे छोटो रहे गांव में भाई तुम तोड़े की भाषा बोलने लगी अड़े कड़े की अच्छा हमने तो गांव में अच्छा लगा फिर तुम क्या बाण थी हम थे तीन तीन बाण दो तो मड़ाएगी और एक एक कटवाड़ी है भाई मरोली धोरो कटवाड़ी और भाई भाई मेरा दो एक काला एक भूरा दोनों एक काले भूरे नाम नाम भी उनके काले भूरे थे काले भूरे से नाम तो थे यार नेरे पर थे काले भूरे अच्छा माँ भी मेरी काली थी भाई बाबू मारा बाबू बुरा था वो अच्छा एक बाबू पे गया एक माँ पे गया हाँ भाई भान की नूस उतरी थी हम अच्छा तो एक गांव में रह गया एक रवाड़ी आ गया हाँ छोटा गांव में रह गया बड़ा रवाड़ी फिर नू बताओ थारे टाइम में किस तरह के होया करता किस तरह के वो होया करता पुराने टाइम में मैं अपने घर तुम छोटी छोटी थी जब तुम ना के करया करते तुम एक बार मैं बताऊँ थोड़ा मुझसी का थोड़ा लकवे की शिकायत थी तो दवाई लेकर ठीक होगी बहुत बोलने लगी ना तो पहला बोले भी ना जा करता थोड़ा सा आवाज वैसी आओगी हाँ तो क्या करा फिर तुमने छोटे छोटे थे जब खुरपा दे दिया हाथ में लिया घास खोद कर फिर तुम पढ़ ना करो सुकुल अच्छा मतलब छोटे छोटा खुरपा दे दिया भाई अब फिर भाई इतनी नदी आया करती नदी बहुत आया करती हमारे गांव में खूब तो नाता और भाई मी बरसते हम घास काटते नहर 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 क्या मी का नदी आ जाए थी बाढ़ बूढ़ आ जाए पहला पहला आ करती अड़े भी आ करती पहला बहुत आया करती फिर भी भाई माँ ही थी लिया घास हाँ। सरियो दोनों टेम लाम थे भाई भाई या थी कति छोटी सी हाँ कति छोटी सी था ना तनु कहती हाँ। मानू कहती सो जा ये कहती है कोई ना मेरा तो सर हाँ। मैं तो बड़ी थी या छोटी सो जा अगर ना आप भी छाऊंगी खड़ी हो तू मैं तो अपना आप भी छाऊंगी या कर दे तो रोजाई जाए लालटन चिमनी ये लाइट लुट थी कोई ना अब तो जाड्या के दिन थे लत्ते भरे ही नरे तो भाई मत आग लागी सलवार में जमी माँ बोली मेरी माँ बोली दादी यो के कर लिया था ना ये मारेगा तेरा बाबू बुलाए भगवती अपने बाबू ने बोला मैं बोली बाबू मगर दे यो के कर लिया बोला के मौका जो तो नहीं लत्ते लिया कर दिए थे आज ने फूक भी ली भाई के करा कौन तो दे थोपड़ा दे थोपड़ा लाल बना दी आज तो सिमाए थे और आज फूक दिए था ना ये फायदा हुआ इसी से काम हुआ करते भाई फिर दिवाली आई भाई दिवाली आई तो भाई के करे हलवा बना दिवाली ने पर आज मैं गाल दिया मेरी माँ ने अगली शीला हो जाएगा
भाई बहन कित के कुत्ता आन के सारे हलवे ने खा गया। अच्छा। हलवे ने खा गया मेरे बाबू ने बेरा पट्टा वो तो खाए कसाई। बोला मंग बाबू, बोले हाँ मैं हलवे ने कुत्ते खा गए डरते डरा डरिया बहुत करते ना बाबू तो भाई ने भाई कह बोलिया करते बाबू ने बाबू नु जाडा सेठ जा तमक देखी भी क्या कहगा होगा सब। बोले हलवा ने कुत्ता खा गया मग हाँ कुत्ता खा गया ईसा बार लठ लिया काट भाई वो फिर आया आया तो भाई की तो कड़ तोड़ दी दे दमा दम और जुआने कुत्ते ने मार लिए दड़ नू जाने कब मेरा बाबू के तो मर गया ये रह ठाक बाहर वो तो दूसरे दिन फिर आया। बोले ये भगवती मग हाँ ये कुत्ता तो फिर आ गया जी जी लठ लिया। मैं बोली बाबू रहने देना ये भी वो हलवा हो ऐसे। बोले ये नहीं जानता मारूंगा मेरे हलवे ने क्यों खा गया सुसरा। फिर एक बात बता तुम फिर मतलब तुमने खूब काम करे उड़े क्या डांगर रखे थे डांगर भाई घने रखे डांगर तो बहुत रखे मेरा बाबू तो खेती भी करया करता बलद भी रखे भैंस भी रखी और सारी आन दिन रात कम के चिपटाए रखता। अच्छा। और घर आवनता तो बाबू का डर लगता अको फिर उल्टे खाना होगा रेत की हिल दे गोबर की हिली जत्ते लदे जत्ते लदे आऊँ। फिर थोड़ा ब्याह कै साल की उम्र में हो गया कितनी उम्र में हो गया था ब्याह में भाई या तो थी नौ साल की नौ साल की नौ साल की का ब्याह हो गया था मैं थी पंद्रह साल की। अच्छा। उन्होंने एक ब्याह दी एक दे दे रूम मांगी थी भाई माता। फिर भाई फिर पहले तीसरे से साल आया करते भाण बेटी ने गालिया करते ईब तो गैल गैल सांस है सोरी रोम थी जाया करती और ईब तो भाई हस्ती सांस हम तो बहुत रोए सारा गांव लिखल जाते इतने रो ये रोए सबके। फिर तुम तो बावड़ी थे तुम रोया करती बेरा बावड़ी थे शैली थे। अच्छा नु बताओ तुम ना उड़े देखने गए जब कौन का देखने लड़े कोई ना देखने ना गया फिर तुमने बेरा किस तरह पट्टा का ब्याह से मारा। अरे घर में चर्चा हुआ करती तो हम के भरे थे हमने सुना ना करती तो क्या सुनी तुमने नू सुनिया करते सूरी का ब्याह करांगे कितने पैसे लग गएंगे बाबू माँ बतलाऊं थे। अरे जब तो 5000 रुपये लगे तुम्हारे ब्याह मत है और भाई चार रोटी दई छक्के बर्फी खुआई और थोड़े से पैसे में ब्याह हो गया 100 रुपये दिया करते दान की वो भी गणे लग गया करते। फिर तुमने नू ना देखा कहते भी बटू किसा है मैं जित जाएंगी कुछ के कित कित के है के ना की सोरी ना देखा करते नहीं क्या करते भाई क्या करते बटे वो आगे लुक जाती सोरी भाई की तक बाणिया की छत्ता पर के तो बामणा की छत्ता पर जा करते। बटे हुआ रहा सा कर दिखना जा अरीब तो भाई सिर उगाड़ी अंडा सा बताऊं पहले भाई ऐसा काम था काम बहुत करया भाई देखा वाले ना था बाबा ना देखा बाबा बेटा हम तो सही सुतरे बाबा काला था छोटा एक बात बताऊं अब बता एक बात बताऊं तू तो सगाई तो कर दी बट ये देखो बड़ी सोसा अब छोरी इतनी सुथरी अब बटे तो किस कोई ना बोला ठीक सब पहले नहीं ब्याह करते। फिर एक बात बताओ अगर मारे बाबू सुथरे थे तुम सुथरी दिखे अरे हम सुथरे थे भाई भाई मारा तो गांव में रुका पड़ गया था सही बताऊं। अच्छा। अरे भाई कमाए भी खूब इतना धंधा बाप का करे यार इतना सुसरी के घर में फिर तुम नाड़े भी आने खुरपे ठा लिया पूरे भी ठा लिया भाई मन बुढ़िया लेगी नार ना तो बुढ़िया तुम्हारे नू खुरपा मैं सुधे खुरपे तो खोदू गणी घास बुढ़िया बोली बहू तो बहुत कमेरी आई एक भैंस और लिया बुढ़ा बोला अच्छा बुढ़ा तो दूसरे दिन लिया है इतने कमेरे थे हम तो क्या क्या भैंस रखी तुमने दो दो भी रखी तीन तीन भी रखी भाई सही पर भी पाथते बिटोड़े भी धरते सारा काम करया करते भाई क्या है तब नहीं क्या जो बुढ़े ने काम बता दिया वो करया जो मेरी सासू ने काम बता दिया वो करया आजकल की कोई पान सिर ससर पीस दे या न्यारा पीसती मैं न्यारा पीसती है और फिर भाई के करते घर में हमें रबड़ी बना मिलती पी उन्होंने टाइम पर न्यार न चले जाते उस टाइम पर हाँ और भाई फिर आन का ना दोपहर में रोटी पोमते जब पोपा का रोटी साग भी ना मिलता और कुन बात है 20 आदमिया का वो भी पानी पात ना तो अपनी खा लेते प्याज भूज तो और के करते
ना एक पावत है ईसा कुण बा था भाई भारा कुण बा था सासू की चल्या करती भाई मारे घर में मारी ही चल्या करती। पांच तो ननद थी। ननद क्या थी? पांच। पांच ननद। हाँ आज कोई की नहीं, एक भी ना सुहा हुआ है। देवर जेठ दो सासू दो सासू मारे बुढ़े ने भी जुलम करे। दो सासू थी मारे। हाँ ऊकी मानते रूकी मानते मारी ना चल्या करती बहुत बारा कुण बा था भाई। और फिर हम तो दूध कभी हाथ ना लगाया करते। बुढ़िया देती बालकान प्याजी होए बूढ़ा करते मतलब ड्रिया करते हम ना लगाया करते। सीत कभी क्या हाथ लगा दिया दूध भाई पैया पैया दूध पैया पैया चीनी दे जाया करते। ले ये तो बालका का दूध ले ये चीनी गेर लियो है। मैं तो गई थी बहू सब कहियो सब कहियो भाई बहुत सेवा करी। और कड़ेगी से है कड़ेगी से भाई कलोई गांव की से हरियाणा दे। हाँ हरियाणा की से रोहतक धोरा और ककतुआ की से बहुत अच्छी से बोलन चालन में बिना मेरे तो लड़ा है। तो बहुत बढ़िया नसीब से तू आजकल बहुत अच्छी है होना तो कड़े सेवा करे आजकल भाई अच्छी से। अरे तू बता बाप लाई मैं बताऊंगी भाई। मेरे भी भाई तीन बहू हरी से तीन हरी से भाई ठीक से आजकल के जमाने देखी तो ठीक कस है भाई। ताई तो मैं इसी कोई बीमार नहीं हुई सूँ अपना काम खुद कर लियो ठीक। और भाई बहू भी ठीक से तीनों न्यारी भी सक पर ठीक कस है। और तो भाई बहू आएगी घड़ी बुराई भी करनी ठीक ना होती भाई रहना तो बहू आए दोहरे से ना नू बता इवे नू बता बहू आ दोहरे रहना बहू आ दोहरे खाना इवे नहीं बुराई क्यों कर करा ठीक से जिसी बहू या करें इसी तो सही। पर ठीक से नू बताओ तुमने गीत गात गाने भी आओ हैं गीत गाते बढ़िया मनादर गुरु पद्यान ए ध्यान मतड़क जंगी सतसंग मेरा लग्या गुरु मद्यान ए ध्यान न तड़क जंगी सतसंग मनसा सुसर की सला लाइए मनसा सुसर की सला लाइए मर जमींदार का काम ए काम तू मत न जाइए सतसंग बहु जमींदार का काम एक तू मत ना जाइए सतसंग मेरा लग्या गुरु मान ए ध्यान मतड़क जंगी सतसंग मेरा लग्या गुरु मान ए ध्यान मतड़क जंगी सतसंग मन जेठ जेठ की सला लाइए मन जेठ जेठानी सला लाइए बेबे अदा कर दे काम ए काम तू मत ना जाइए सतसंग बेबे अदा कर दे काम ए तू मत ना जाइए सतसंग मेरा लग्या गुरु मान ए ध्यान मतड़क जंगी सतसंग मेरा लग्या गुरु मान ए ध्यान मतड़क सतसंग मन देवर दुरानी की सला लाइए मन देवर दुरानी की सला लाइए बेबे कर देंगे बदनाम मत ना जाइए सतसंग माए बना कर देंगे बदनाम तू मत ना जाइए सतसंग मेरा लग्या गुरु मान ए ध्यान
नम तड़क जांगी सतसंगे मन अपने पति की सलाह लाइए मन अपने पति लाई रे गोरी दोनों साला साथे हम तड़क साला सतसंग मर गोरी दोनों साला साथे हम तड़क साला सतसंग बहुत बढ़िया बजन गाया तुमने चाला फाड़ दिया।